presenting by BN Cassette Amit. अरे लूम का रेलवे आ जाए। अरे कंपनी है मेड जो।
अरे इसका बम का काम करा कर जल्दी। अरे बम लौट के ले लियो। अरे इसने बम बनाया रेलवे का जल्दी आजा। अरे सुन चाचा। अरे हमारी बेगम साहिबा। अरे चित्तौड़ के किले पे गए हुए 5 दिन हो चुके, अभी तक हमारी बेगम साहिबा नहीं लौटी है, इसीलिए तुम जाओ पता लगाओ वहाँ क्या हो रहा है। अखिल मैंने नहीं बोला। अरे मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, किला तेरे से नहीं टूटेगा बादशाह,
अपनी फौज को लेकर वापस दिल्ली चला जा। नहीं फिरेगी, ये तो इसके जाते नहीं पड़ेगा। अरे मारा जाएगा। नहीं, ये घर तो देना पड़ेगा। किला तोड़ने की इतनी जिद है तो मैं तुझे बता दूं किला कैसे टूटेगा। अरे किला कागजों से नहीं टूटेगा। किले के कांधों कांधों पे हिंदू के देव विराजमान है। बावन घर, अच्छा, छोकरिया, अच्छा, और नौलाय देव और मां कंकाली का साक्षात वास है। किला तेरे से नहीं टूटेगा बादशाह। नहीं फूलेगी, किले का बिल तो मेरे को देना ही पड़ेगा। अपनी फौज को लेकर वापस दिल्ली चला जा। नहीं, ये तो मैं किले का देना ही पड़ेगा तेरे को। अगर किला तोड़ने की इतनी हिम्मत है तो मैं तुझे बताती हूँ किला कैसे टूटेगा। अरे किला तोड़ने के लिए तुझे कचरे वन में जाना पड़ेगा। अच्छा। अरे कचरे वन से सुना घाट लानी पड़ेगी। अच्छा। और उस घाट पर चित्तौड़ के अंदर किले में जो सास बहू का कुंड बना हुआ है, अच्छा, उस कुंड के सामने उस गाय को खड़ा कर देना। अच्छा। और धीरे धीरे बादशाह कलमा पढ़ते हुए उस गाय को हल्ला कर देना। अच्छा। अरे जिसे सोए हुए हिंदू के देव वो सारे खाली गाय के नगर से भाग जाएंगे। अच्छा। और तो आसानी से किला तोड़ देगा बादशाह। अच्छा। लेकिन खाली गाय को रगत करना मत भूल। अच्छा। हमारी फौज को लेकर, अरे तुम कजरीवन जाओ और कजरीवन जाके वहाँ से सुरे गाय लेके आओ और उस गाय को लेकर हम चित्तौड़ के किले पर जाएंगे। चित्तौड़ के किले पर ले जाकर जहाँ वो सास बहू का कुंड बना हुआ है वहाँ ले जाकर उस गाय को खड़ा करेंगे और उस गाय को धीरे धीरे से मैं हलाल करूँगा और हलाल करके उस गाय के निकले हुए खून को इन हिंदू के देवताओं के पाठ पर छाटूंगा और हिंदू का देवता यहाँ से भाग जाएंगे और किला हम आसानी से तोड़ पाएंगे। चलो चलिए। एक राजस्थान चलाता है, वो राजस्थान राजपूतों में है। इसी राजस्थान के अंदर एक मातृभूमि मेवाड़ है, मेवाड़ सूर्यवंश की राजधानी है। इस रघुवंशी सिद्धू कहता है और रघुवंशी सिद्धू कहता है। इसी समय अकबर का शासन चल रहा है क्योंकि मेवाड़ के राजपूत मुजरे भी नहीं जाता है। इसीलिए जयपुर के मान सिंह कहता है या कहता है कि बादशाह सारे हिंदुस्तान का राजा माना जो दिल्ली मुजरे पर आता है और मेवाड़ के राजपूत मुजरे भी नहीं आएगा तो आप सम्राट नहीं चलाओगे। और वो जब उसे अकबर ने कहा जाओ विश्वास सामने करो जयपुर पहुंचो, उदयपुर पहुंचे राणा प्रताप से हमारी संध्या कर दी थी। मैं उसी त्रिकूट से संध्या करने वाला राजपूत नहीं हूँ, मैं इसी रगत शैली तलवार से संध्या करूंगा। फिर वो आया था, फिर मैंने मेवाड़ के समुद्र सरदार ने कहा कि सेना का प्रावधान शागिर की कहा डलवा दो और भोजन रेस्तरा में कर दो और बच्चे को भोजन मेवाड़ से बाहर चला देना चाहिए क्योंकि वो तुर्कू का ग्राम है। फिर मेवाड़ के सरदार ने ये किया था। फिर उसने कहा कि महाराणा साहब क्यों नहीं आया, तो मेवाड़ के सरदार ने कहा कि महाराणा साहब के सिर दर्द है इसीलिए आ नहीं सकता है। फिर वो कचहरा ने कहा ठीक है समझ गया हो, मेवाड़ के राजपूत हमारे से थोड़ा सूट करता है, मेरी बुआ बादशाह क्या घर में इसीलिए मैं सिरदर की दरवाजे नहीं जा कर तीसरे रुपये रोड से कहूँ। फिर मेवाड़ के सरदार ने कहा क्या तुम भी जाते हो तुम्हारा बुआ बादशाह से लेकर जाओ। फिर वो यहाँ से दिल्ली जयपुर पहुंचा, जयपुर से दिल्ली पहुंचा, दिल्ली तुर्कू की शरण में गया, जाकर अकबर को कहा कि मेवाड़ के राजपूत हमारे से थोड़ा सूट करता है, मेरे साथ भोजन नहीं चिंता है। जब उसे अकबर ने कहा चलो नौ चौबंदर सेना के साथ मेवाड़ पर आक्रमण कर दो, पहला आगमन गठबंधन हो गया है, दूसरा चित्तौड़ पर कर दिया है, चित्तौड़ का आगमन को दूर उठाना है। कहते तो फस फल बांधे कमर भटा ने धरे कमर गर्भ क्यों चित्तौड़ करा हर सोने हिंदुआन हर हर महादेव 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 सेनापति अपनी सेना को गंगे नदी के तट पर रोक दीजिए और तलेटिया में मुगलों सेना का पड़ाव है। रात का समय स्वयं सेना में घमसान मचा दो,
रक्षा करे रक्षा करने वाला कौन है? पीछे देखो, पीछे देखो, हे भवानी, हे कालका, हे त्रिजा भवानी, भगवान श्री हरि ने दर्शन दिया है, स्वयं सेना को नहीं मारूंगा, स्वयं सेना को मारूंगा तो हिंदुस्तान के राजा मारा जाएगा, मेवाड़ से राणा प्रताप स्वयं सेना में आक्रमण किया है, लेकिन जगह की युद्ध करूंगा मेरे पिता महाराणा रणजीत सिंह जी ने, जो कि सिचारा ग्राम क्षेत्र के अंदर और बगा चोटला तुर्की मुस्काटी को निशान चले के अंदर बनाना था। क्या भवानी मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई डर डर ढोल की लाए, राजा ने मारा दिल खो गया। अरे बेटे गीत नहीं कर दिए भाई साहब। अरे क्या हुआ है? अरे मैं तो बैठी भी नहीं है, मेरा चोटला भी नहीं है, अरे आपकी नवी बूट भी नहीं है। अरे यार सेठ हो ना तो बड़े हो यार, मैं तो सेठ ही हो तू ही। और मेरे सीने पे क्या खोज रखा है? सीने पे तो वो खोज नहीं है, आज की रात लौटे ले गया। अबे रेजा का कर कट, हिंदू धर्म बहुत अच्छा है। हाँ हिंदू धर्म बहुत अच्छा है। साला पता लगा कौन आया? साला रुके रहते घर के बेटे, अभी जाता हूँ मैं। तू जब जब मुझे कब पुकारे, मैं दौड़िया हूँ नदी किनारे, मेरे भोले साथिया। अरे वो मारा प्रताप आ चुका है। हाँ साला वो रहने का फायदा है, वह अभिषेक भगवान श्री एकनाथ महाकाली के दर्शन किया है, जो कि बहुत मजबूत संग्राम किया है। मैं हल्दी घाटी का रण संग्राम करना चाहता हूँ और शनिवार को देखता हूँ। शनिवार पहुंचा चित्तौड़गढ़ पहुंचो और मोटी शरण को बोल दो युद्ध संग्राम करना तो हल्दी घाटी पहुंचो कमजोर के पास। मुगल सुरक्षित कर दो। देखिए भामा था, उसके भाई तारा था, देखिए अक्षरा छोड़ गया और देखिए तुरंत मुसलमान हकीम खान वो भी बड़े सेना में ऑफिसर है, देखिए राठौड़ की सेना और देखिए भीम सिंह चौधरी सरकार शंकर सिंह जी राठौर के ना और देखे उन्नाव शुरू का बेगूड आगे और सब सरकार को सूचित कर दो और रायनापुर का भील छोटा छोटा भील और देखे ओदिया भील उसको सूचित कर दो और धनुष कपाल लेकर आगे से आगे बढ़ रहे। राय साहब मुझे रणविदा कीजिए। पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े तुझे पे जो संवारे वो मेरा ही सुहागे। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े तो रखिए उनके बाद स्वामी क्या बात है? मेवाड़ की शतरानी भी वीर होती है, वीर होती है, नफरत तलवार लेके रण में कूद पड़ती है। हम भी आपके साथ रण में चलेंगे राणा जी। कोई बात नहीं, चलता नहीं राणी साहब, कमलगढ़ कहीं मैं तुम्हारी सेना भेजता हूँ भेजो। राणा जी क्या बात? जब चुंडावत ने मांगी थी शेजानी सिर्फ कर दिया शतरानी। शतरानी भी वीर होती है, मेवाड़ की शतरानी भी वीर होती है, कायर नहीं है, तलवार लेके रण में कूद पड़ती है। हम भी रण में चलेंगे राणा जी। राणी साहब मैं छोटी सी भीलों की टुकड़ी में आता हूँ, कमलगढ़ चला दिए, मैं हल्दी घाटी का रण संग्राम करके विजय का झंडा बहुत बहुत जी राणा जी, विजय का झंडा बहुत ही मैं लेना चाहिए लेना जी। राम को तो हो चल आ जाओ, हर हर महादेव, राम को तो हो चल आ जाओ। तुम्हारा कुछ नहीं करना पड़ेगा, हिंदू चुनी हाथ में आ रही है।
मेवाड़ के राजपूत तुम कौन हो? मैं मेवाड़ी शहर मैं दिल्ली का शहर हूँ। शहर मेरी खराब से जगह का रहना चौधरी जगह का रहना चौधरी जो मिट्टी का नहीं रहना पुकार महापुरुषा की मोनिका गलगीरान मेवाड़ छोड़ना पड़ेगा नहीं छोड़ेंगे लाहत दाल तलवार मोट मजबूती दिया है मेवाड़ी तलवारें चलने लगी बिल्लू का तीर चलने लगा और दुश्मन गाजर मुड़ की तरह कटने लगे और मरने लगे और भागती ही सेना कमनौर के पास पहुंची। ठंडी है बात ठंडी ठंडी मेवाड़ी शुरू चप्पर का कचावा हाथी पेट लेने को आया मैंने फल्ला मारा वो हाथी घोड़ा चट का पिछला पेट कहता गया दाने है भारत के लिए दाने मेवाड़ी शहर में किसी रंग संग्राम के अंदर देखे अलग था घोड़े पेट में लगे गया मैंने उसको घोड़े से तीर डाला तो भाग कर गया रणभूमि के अंदर हल्दी घाटी में नायक खड़कर पाया जा रहा है पूरे परिवार को आजाद कर दिया है लेकिन गढ़ बांधा गढ़ कर चित्तौड़ में हरा गया ऐसा युद्ध हुआ मेवाड़ी तलवार चलने लगी और भीलू का तीर चलने लगा महाराणा साहब मैं गढ़ मांडा पहुंचा वहां पता लगाया वहां कोई पता नहीं मिला फिर मैं गढ़ चित्तौड़ पहुंचा गढ़ चित्तौड़ शनिवार से पता लगाया कि अभी हल्दी घाटी हो रहा है गढ़ मांडा और गढ़ चित्तौड़ आयो इतने में मैं लेट हो गया मेवाड़ के अंदर घमसान मचा दिया है जी हाँ और कई
बिलू का तीर चलने लगा। जी हाँ, मेवाड़ी तलवार चलने लगी। जी हाँ, हर संग्राम के अंदर पूरे मेवाड़ को आजाद कर दिया है। जी हाँ, गढ़ बांधा गढ़ चित्तौड़ में हरा कर। जी हाँ, मैं 16 का 16 के योद्धा करता हूँ। जी हाँ, चित्तौड़ पर जवाना दूंगा। जी हाँ, और देखिए जब तक दोनों राज्य नहीं मिलेगा। जी हाँ, मैं चित्तौड़ किले पे नहीं छोड़ूंगा। जी हाँ, और सोने की थाल में नहीं छोड़ूंगा। जी हाँ, और काशी ढोले पे नहीं छोड़ूंगा। जी हाँ, प्रभु बोले नीत सदा चले आए प्राण जाए का दर मेरे बच्चन ने चरणी जने पहरा जने चरणी जने पहरा जने के दाता के शूर नीतरी जय बाजड़ी न मत गमा जय नूर। अरे राजा पूजा मैं मेवाड़ का दीवार नहीं हूँ। जी हाँ, मैं मेवाड़ का राजा नहीं हूँ। राजा भगवान श्री रघुनाथ है। जी हाँ, मेवाड़ का दीवार हूँ। जी हाँ, इस समय राज साहब इसको हर विका को जी हाँ, आज मेवाड़ की धरती पे संकट के बादल छाए हैं। जी हाँ, स्वामी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध करो। जी हाँ, और मेवाड़ में फतेह का ले रहो। जी हाँ, हे पीला राणा ये मेवाड़ की शतरानी तुझे राखी का बाल बनाती है। जी हाँ, और ये वचन देते हैं। जी हाँ, मेवाड़ की बदल में हमेशा तुम्हारा नाम अमर रहेगा राणा पूजा। जी हाँ, जीत का झंडा मोदी मेल लेना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जय श्री तेरा पहले जाना और मारे खेत में जाना खपा भी कौन है तुम? अरे मैं हूँ बेटी दिल्ली से बादशाह। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे चित्तौड़ के किले पर जा रहा हूँ। अरे कहीं करिए जा रहे हो? अरे इसलिए जा रहा हूँ चित्तौड़ के किले की छाया मेरी दिल्ली पर पड़ती है और हमारी बाबरी मस्जिद का लिप जाती है, इसीलिए इस किले को गिरा कर मैं यहाँ एक नई दरगाह छोड़ के चला जा। कभी नहीं जाइए मैं वहाँ छोड़ के। समझा रहा तुम्हें वहाँ छोड़ के हट जाए। तू कौन है? अरे कौन तू नहीं पहचानता है? चित्तौड़ की बाबरी जयमल मेरा नाम। अरे जयमल। अरे मेरी बेगम साहिबा के गले में 9 करोड़ का हार है। अरे ये मैं तेरे को दे देता हूँ और तेरे को हाथी घोड़े में बिठा कर तेरी भिड़ोड़ी निकाल कर वापिस तेरे को झालावाड़ भर देता हूँ। गड्ढे मारो गड्ढे खोद गणी मुँह गड्ढे मारो गड्ढे खोद गणी मुँह ईश्वर पर चित्तौड़ की चाबी मुझे दे गया है दीवार तुम मेवा छोड़ के निकल जाओ। कभी नहीं छोड़ेंगे। अरे समझा लू मेवा छोड़ के चला जाओ। नहीं जाएंगे मेवा छोड़ के। जय मन लखे जवाब जय मन लखे जवाब सुन सुन अकबर साहब ये दर प्रिया दूजी बात समझा लू मेवा छोड़ के हट जाए। कभी नहीं छोड़ेंगे मेवा। ये तो करना हो तो तैयार हो जाए तेरी भी यही पर हलाली कर दूंगा। अरे अरे तू आगे भी मत भेजे। छाटूंगा हिंदू का भी
Oh,